गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं 10 और मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और बिना नहाए जा रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रहा है। देखो देखो मौसम देखो, यहाँ पे सब भीग भाग गया है। तो मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और फिर मिलता हूँ। जो भी है आज का दिन मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा। बने रहिए ब्लॉग पे और देखते रहिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइज अभी मेरा फोन जो गिरा है ना मेरे हाथ से, मेरी तो जान ही निकल गई। कल हम लोग एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं तो सोचा कि मैं आप लोगों से वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं और अचानक से मेरे हाथ से फोन नीचे गिरा। मुझे लगा इन्फॉर्मेशन तो क्या, कल का वीडियो भी और आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। तो जो भी हो अभी फोन तो काम कर रहा है, जो भी चल रहा है, अभी मैं आप लोगों को ठीक से दिख रहा हूँ ना तो समझ लो कि चल ही रहा है। तो बस यही चीज था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और आज का दिन उतना कुछ खास नहीं हुआ गाइज, नॉर्मल ही है। 4 hours later. Guys, आज लंच पे मेरे घर पे बना है देखो डालमा, वो भी ये मेरी दादी का रेसिपी है जिनसे मैंने आपको मिलवाया था। और ये मेरी दादी का रेसिपी है, उन्होंने मुझे सुबह सुबह बताया था, मैंने उन्हें फोन करके पूछा था। इसमें पड़ा है आपका पपाया, आलू एंड चना दाल, और यहाँ पे बना है पालक का सब्जी। और ये हम लोग का नहीं है, मैक्सो का है गाइस। देखो मैक्सो बॉयल सब्जियां खाता है। तो गाजर, पपाया और इसमें आलू है, और ये है जो बना है भाजा, डाटा, आलू, केला, सब मसाला डाल के फ्राई किया गया है। ठीक है, तो मैं खाऊंगा रोटी और ये डालमा। ये चाय जो है मासी का है, मासी ये अभी पी चुकी है। ये चाय छान के अभी फ्रिज में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं सारे डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ देखो मेरे घर का। तो आज मैं रोटी और ये डालमा खाऊंगा, ठीक है, नॉर्मल खाना। चलिए के साथ ही दो पीस में ले लूंगा खीरा बस। तो गाइस आज का लंच बहुत ही मतलब सादा एंड सिंपल है। टेस्टी है गाइस। ये देखो कृषु आ गया, हाय। तुम्हारा मैक्स बुला रहा, जाओ। तो गाइस देखो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने यहाँ पे काटा है अमरूद बहुत सारा, और उसके साथ मैंने एक ड्रेसिंग रेडी किया है जिसको मैं ऊपर से डालूंगा, जो कि कासुंदी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड सॉस। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है कोलकाता में। ये हर मतलब क्या बोले, फ्राइज के साथ हो, कटलेट्स के साथ हो खाया जाता है, और फिश पकौड़ास के साथ हो, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और वही ड्रेसिंग मैंने रेडी किया, इसमें चिली पाउडर एंड सॉल्ट डाला है बस मैंने। अब इसको हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, लोग देखते रहो, अब इसी को लगा कि हम लोग को खाना है, बहुत टेस्टी लगेगा गाइस। मैं अभी मम्मी को दूंगा और हम दोनों खाएंगे। ठीक है, तो वेट, मैं अच्छे से इसको मिला लेता हूँ। बहुत सारे मिक्स टेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि स्वीट भी है, स्पाइसी है, प्लस खट्टा भी है। बहुत अच्छा है गाइस। कोलकाता में आपको ये हर स्ट्रीट पे मिल जाएगा। इसका नाम है पैरा माखा। ठीक है, और आम माखा, उनके पास बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं जो कि वो कासुंदी और सॉल्ट वगैरह के साथ मिला के देते हैं। तो गाइज मैं आज बना रहा हूँ आलू पोटल का, मतलब ग्रेवी जैसा। ठीक है, बहुत दिन हो गया ये खाना नहीं खाया था। ये देसी रेसिपी है गाइज। देखो मैंने आलू को बिना पील किए डाल दिया है, और उसके साथ मैंने डाला है परवल को। परवल को यहाँ पे बंगाली में और उड़िया में पोटोल बोलते हैं। ठीक है, उड़िया में पोटोलो बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो रेसिपी है ये मेरी नानी का है, मैंने उनको बचपन से देखा ये वाला करी बनाते हुए, ये राइस के साथ खाया जाता है। तो ये मैं आज जो है ग्रेवी जैसा बना रहा हूँ मेरे और मेरे मामा के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ही है क्योंकि ऑलरेडी दोपहर का खाना बचा हुआ है। तो देखिए ईजी रेसिपी है, मैंने अभी आलू और पोटल को फ्राई कर लिया है। अभी देखो गाइस मैंने ऑयल ले लिया है खाली, अभी जो फ्राई किया हुआ आलू और पोटल था वो निकाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ तेज पत्ता और सूखा मिर्चा। ठीक है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगा ओनियन। ठीक है, गाइस यहाँ पे मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, और गरम मसाला है। सब कुछ मैंने डाल के एक मिक्सचर बना लिया। इसको मैं इस प्याज में ऐड कर दूंगा, और टमाटोज भी मैंने काट के रखे हैं उसे भी ऐड करूंगा। तो देखो गाइस मैंने टमाटर ऐड कर दिया है,
और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा ये जो पेस्ट हमने बना के यहाँ पे रखा है इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे टमाटर और वो जो पेस्ट ऐड कर दिया उसके साथ मैंने आलू को डाल दिया क्योंकि क्या पता आलू अच्छे से फ्राई ना हुए हों कच्चे हों तो जो भी है इसमें पक जाएगा। ठीक है तो मैं अभी इसको आलू के साथ पका ले रहा हूँ मसाले को। तो गाइस देखो मेरा परवल का जो ग्रेवी है वो रेडी हो गया है आलू परवल का ग्रेवी। बहुत इजी रेसिपी है क्विक रेसिपी है बहुत अच्छे से पक गया है। अगर आप चाहें तो अदरक डाल के और काजू पेस्ट वगैरह देके भी बना सकते हैं बहुत टेस्टी बनता है ये। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने को बट कल जो है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे को फॉलो कर लीजिए। कल का वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बाहर जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ वो आप लोग को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल हम एक नए ब्लॉग के साथ।